देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जो शैवाल हमने जो पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा शैवालों का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम इसका एक एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओसिलेटोरिया। हमें बारी बारी इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं जिनको हमें डिटेल स्टडी करना है। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ओसिलेटोरिया को। ठीक है, देखिए जो ओसिलेटोरिया शैवाल है, इसको हम अगर हम इसके वर्गीकृत स्थान की बात करें, मतलब इसे कहाँ वर्गीकृत करके रखा गया है, तो देखिए इसे रखा गया है वर्ग साइनोफाइसी में। ठीक है, हमने वर्गीकरण में देखा था वर्ग साइनोफाइसी, तो इसे कहाँ रखा गया है, वर्ग साइनोफाइसी में। गण है इसका नोस्टोकैलिज। कौन सा गण है, नोस्टोकैलिज। अगर हम इसके कुल की बात करें तो ओसिलेटोरियसी, कौन से कुल से है ये, ओसिलेटोरियसी। अब हम अगर देखें इसके प्राप्ति स्थान को, मतलब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हम देखेंगे कि जो मेनली जो ये ओसिलेटोरिया है ये कहाँ मिलता है, स्वच्छ जलीय में, मतलब ये एक फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है, कैसा है, फ्रेश वाटर एल्गी है। लेकिन इसके मतलब फ्रेश वाटर का मतलब कहाँ मिलेंगे ये, इसके तंतु कहाँ मिलेंगे, तालाबों की सतह पर अथवा नीचे मिट्टी पर जाल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, तो भाई कुछ जो ओसिलेटोरिया है वो खारे जल में भी पाए जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी ओसिलेटोरिया स्वच्छ जल में ही पाए जाएं। ठीक है, कुछ ओसिलेटोरिया खारे जल में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ओसिलेटोरिया लाइमोसा, जो कि एक खारे जल का शैवाल है। आगे अगर हम देखें तो कुछ जातियों में विशिष्ट रंग पाया जाता है, जैसे कि ओसिलेटोरिया प्रोलिफिका। ठीक है, स्पेसिफिक रंग कुछ जातियों में पाया जाता है, जिसके कारण जिस वाटर में ये रह रहे हैं या जिस वाटर में ये रहते हैं, वो जल भी एक स्पेसिफिक रंग का दिखाई देने लगता है। अगर हम बात करें इसकी थैलस संरचना की, तो देखेंगे कि इसके तंतु कैसे होते हैं, अशाखित, मतलब इनमें कोई शाखन नहीं पाया जाता है, सीधे सीधे तंतु मिलेंगे, तंतु मिलेंगे, अशाखित तंतुल शैवाल है। तंतु को क्या बोलेंगे, इसके तंतुओं को ट्राइकोम कहते हैं, मतलब इसके ही नहीं किसी भी शैवाल के तंतु को अपन ट्राइकोम ही कहते हैं। प्रत्येक ट्राइकोम अनेक कोशिकाओं से बना होता है। सीधी सी बात है कि प्रत्येक ट्राइकोम बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। सभी कोशिकाएं आकार में व संरचना में एक समान होती है। ट्राइकोम में पाई जाने वाली ये सारी कोशिकाएं आकार में और संरचना में एक जैसी मिलेंगी। ठीक है, इसकी कोशिकाएं होंगी कैसी, होंगी एक जैसी, लेकिन ये चौड़ाई में अधिक और लंबाई में कम मिलती हैं। विभिन्न जातियों में शीर्षस्थ कोशिका के आकार में विविधता पाई जाती है, मतलब कि पूरे ट्राइकोम की कोशिकाएं एक जैसी, लेकिन जो इसकी एपिकल सेल है, सबसे ऊपर वाली सेल है, उसका आकार अलग अलग शैवाल में, अलग अलग ओसिलेटोरिया में अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ जातियों में क्या होता है, कोशिका के सबसे ऊपर एक टोपी जैसी संरचना, मतलब टोपी के समान आवरण देखा जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। ये देखिए, ये कोई हमने ट्राइकोम दिखाया है जिसमें चौड़ी और कम लंबी कोशिकाएं हैं, और इसके ऊपर जो ये टोपी जैसी संरचना है वो क्या है, कैलिप्ट्रा। ट्राइकोम नग्न पत या तो ये बिल्कुल ऊपर से प्लेन हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, या फिर इनके ऊपर कोई पतली श्लेष्मी आवरण हो सकता है। ये देखिए, हमने दिखाया है यहाँ पे, इस पूरे ट्राइकोम पर एक श्लेष्मा का पतला आवरण है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी आउटर स्ट्रक्चर की या फिर परा संरचना की, तो देखिए ट्राइकोम की सारी जो सेल्स है उसकी स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है। क्या सबसे बाहर इसमें मिलेगी सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसकी तीन लेयर्स में विभेदित होती है। सेल वॉल बनी किससे होगी, इसकी सेल वॉल में कंटेंट पाया जाएगा सेल्यूलोज, इसके अलावा म्यूकोपेप्टाइड, इसके अलावा एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और वसीय अम्ल इत्यादि। ठीक है, तीन जो लेयर में इसकी सेल वॉल है, उसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है लगभग 2000 एंगस्ट्रम चौड़ाई की या मोटाई की होती है,
और सेल्यूलोज की बनी होती है, और अंदर की जो मिडिल लेयर है या मध्य परत है वो लगभग 160 एंगस्ट्रॉम की होती है, बाह्य परत है लगभग 90 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब देखिए इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे भीतरी परत है, उसमें क्या होगा, उसमें जो छिद्र, उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं या छेद पाए जाते हैं जो कि मध्य परत में खुलते हैं, मतलब वो पूरी तीनों लेयर में नहीं पाए जाके किस में मिलेंगे, सिर्फ अंदर वाली परत में और मिडिल वाली परत में, इस प्रकार से, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसकी कोशिका संरचना की, तो देखिए कोशिका संरचना प्रारूपिक एक कोशिकीय, मतलब कि एक कोशिकीय संरचना होती है इसकी। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। इसके अगर हम किसी सेल में जीव द्रव्य की बात करेंगे तो इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ पाया जाता है। एक तो जो परिधि में मतलब कि किनारों की तरफ होगा उसको बोलेंगे हम क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्रीय भाग में मतलब कि बीच में जीव द्रव्य पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। आगे अगर हम बात करें परिधीय जीव द्रव्य या फिर क्रोमोप्लाज्म की, तो हम देखेंगे कि प्रकाश जो क्रोमोप्लाज्म है, देखिए इसमें वर्ड आया क्रोमो, और क्रोमो का मीन्स है इसमें कुछ ना कुछ कलर वाला कंटेंट उपलब्ध होगा। देखिए तो क्रोमोप्लाज्म में क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं पाई जाती हैं, मतलब कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पट्टियां पाई जाती हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड, ठीक है। चूंकि ये हम बोलेंगे इसमें साइनोफाइसी जो है वो कम विकसित सवाल होते हैं, ठीक है, तो इनमें कोई प्लास्टर जैसी संरचना नहीं मिलेगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या मिलेंगे, सिर्फ थाइलेकोइड। देखो यहां पे बताया गया है कि पौधों की भांति इसमें प्लास्टर नहीं पाए जाते हैं। अन्य वर्णकों की तुलना में कौन सा मिलेगा, सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा मिलेगा। हमने पहले ही जब वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने बताया था कि साइनोफाइसी जो वर्ग है उसमें साइनोफाइसी मतलब कि सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन अधिक मात्रा में मिलता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे अगर हम इसकी वैक्यूल की बात करें या रिक्तिका की बात करें, तो देखिए इसकी जो प्लवकीय जातियां हैं, प्लैंकटोन वाली जातियां हैं, इनमें क्या होगा, क्रोमोप्लाज्म में स्यूडो ये रिक्तिकाएं पाई जाती है, कूट रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, मतलब कूट वैक्यूल पाई जाती है, स्यूडो वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसका मतलब है ये कभी बनेंगी और कभी टूट सकती हैं। देखिए दो कंडीशन हमें बताई गई है। अगर हम बात करें इसका निर्माण कब होता है, तो जब प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब कि मंद प्रकाश होता है, उस टाइम क्या होता है इसमें रिक्तिकाओं का विकास होता है या निर्माण होता है, जिसके कारण इनकी प्लवनशीलता बढ़ जाती है। प्लवनशीलता मतलब तैरने का गुण। अगर किसी भी सेल में अगर रिक्तिकाएं या गैस रिक्तिकाएं ज्यादा होंगी तो उसमें प्लवनशीलता या तैरने का गुण ज्यादा पाया जाएगा। अधिक प्रकाश में क्या होगा, रिक्तिकाएं ये जैसे ही ये तैरते हुए सतह पर आती है, तो जैसे सतह पर आएंगे तो इनको प्रकाश अधिक मिलेगा, और अधिक प्रकाश में क्या होगा, ये रिक्तिकाएं फट जाती हैं, ठीक है। और रिक्तिकाएं जैसे ही फटेंगी, ये शैवाल जो है या इसके ट्राइकोम जो है पुनः पानी में डूब जाते हैं। अगर हम बात करें इसके सेंट्रोप्लाज्म की, मतलब जो साइटोप्लाज्म इसका सेंटर में पाया जा रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कैसा होता है, कणिका में नाभिकीय द्रव्य, मतलब कि इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और चूंकि ये मतलब सेंटर में है इसलिए इसको नाभिकीय द्रव्य बोला है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, इस प्रकार की हमें देखने को मिलेगी। केंद्रक कला, देखो हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि ना तो उसमें केंद्रक कला मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ना ही केंद्रिका मतलब कि न्यूक्लियोलस पाई जाती है। देखिए तो इसमें भी क्या होगा, ना तो केंद्रक कला मिलेगी और ना ही केंद्रिका, दोनों का क्या होगा, अभाव होगा। तो जब किसी भी कोशिका में केंद्रक कला नहीं है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो अनुवांशिक पदार्थ है जिसको अपन बोल रहे क्रोमेटिन कणिकाएं, वो क्या होगा, क्या बिखरी हुई हालत में मिलेगा, मतलब कि क्रोमेटिन कणिकाएं
सेंट्रोप्लाज्म में वितरित, मतलब कि बिखरी हुई। ठीक है, आगे अगर हम इसके बारे में देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। देखिए पोषण जो है, पोषण के आधार पे ओसिलेटोरिया एक प्रकार का स्वपोषी शैवाल है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। जब इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा होगा, स्वपोषी होगा। स्वपोषी है क्यों, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्णक पाए जा रहे हैं, और कौन से वर्णक पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए, सीफाइकोसाइनिन, सीफाइकोएरिथ्रिन। इससे क्या होगा, ये शर्करा बना लेंगे या फिर भोजन बना लेंगे। ठीक है, भोजन जो इसमें निर्माण होता है वो किस फॉर्म में मिलेगा, भोजन जब इसमें बनता है तो शर्करा और ग्लाइकोजन के रूप में बनता है, और जब इसको स्टोर्ड किया जाता है, मतलब कि संचित किया जाता है, तो ये साइनोफाइसिन स्टार्च और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में संचित किया जाता है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हम देखेंगे अगर हम इसमें बात करें गति की, मूवमेंट की, तो हम देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के मूवमेंट पाई जाती है। अधिक प्रकाश व ताप में गति की आवृत्ति अधिक होती है। जब ज्यादा इसको प्रकाश और ताप मिल रहा होता है तो ये बहुत ही तेज गति करने लग जाता है। गति होती है इसमें दो प्रकार की, विसर्पी गति और दोलन गति। ठीक है, देखिए यहां पे दिखाया गया है, अगर कोई भी ट्राइकोम अपने ही अक्ष पर आगे और पीछे अनुदैर्ध्य गति कर रहा है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, विसर्पी गति। और अगर कोई भी ट्राइकोम किसी घड़ी के लोलक की तरह गति कर रहा है, पेंडुलम की तरह गति कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे दोलन गति। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें जनन की, तो इसमें जो जनन है, देखिए साइनोफाइसी का है, मतलब इसमें कोई अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का जनन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें बचा कौन सा, लास्ट जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, कायिक प्रकार का या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। दो प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है, नंबर एक है हार्मोगोनिया द्वारा और नंबर दो है खंडन द्वारा। हम पहले भी बता चुके हैं, देखिए हार्मोगोनिया क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और फिर प्रत्येक जो इसका टुकड़ा है वो एक नए ट्राइकोम की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ये क्या कहलाते हैं, हार्मोगोनिया। ठीक है, खंडन की अगर हम बात करें, फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो क्या होगा, या तो किसी जंतु के काटने से या फिर किसी भी यंत्र से अगर इनमें इनके तंतु टूट जाते हैं, इनको कोई क्षति हो जाती है, तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक नए शैवाल तंतु की तरह काम करने लगता है। ठीक है, और ओसिलेटोरिया यहीं पे खत्म होता है। अगले शैवाल की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।